सुबह का प्रसाद जलेबी का वहाँ से आता था, भवाली से दादा सबको बांटते थे और जितने भी आश्रम में भक्त लोग होते थे सब मिल के, वो और पूड़ी और सब्जी हर भक्त को दिया थी आने वाले। वो महाराज जी की सेवा में दादा ऐसे खड़े रहते थे, दादा बाबा मैं हो गई थी ये सब। बाबा ने बोला दादा हमारा जी आया, कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कभी एक के बाद दूसरी आवाज़ शुरू हो जाती, दादा वहीं से लौट के चले जाते थे, महाराज जी के साथ ही रहते रहे। कमला दीदी भी महाराज जी के उसी में शांत में, जैसे दादा तो हमेशा खड़े ही रहते थे महाराज जी के। अशोका दीदी तो बड़ी शांत से महाराज जी के आसपास, बहुत जगह फोटो में भी आपने देखा होगा बैठी हुई है वृंदावन आश्रम में, जी जी बहुत शांत, बड़ा सौम्य स्वभाव था। महाराज जी की पहनी हुई धोती उन्होंने हमारे सिर पर रख दी थी। प्रोफेसर डॉक्टर और इन सबसे भी बड़ी डिग्री जिनके पास है, जिन्हें हम सब लोग बड़े प्यार से दादा कहते हैं, यानी आज हम बात करते हैं सुधीर दादा, कमला दीदी और अशोका दीदी, और जिनका हमने नाम लिया है लेकिन साक्षात दर्शन नहीं किए हैं, हम जिनके सानिध्य में बैठे हैं पुष्पा दीदी के सानिध्य में, इन्होंने उनका भरपूर सानिध्य पाया है ना, तो आज करते हैं उनकी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म दृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में पुष्पा दीदी से आज हम जानना चाहेंगे। दीदी जरा हमको ये बताएं कि इलाहाबाद के जो प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी और जिनको हम लोग दादा कहते हैं, केवल दादा कहते हैं तो समझ में आ जाता है कि हम बात प्रोफेसर साहब की कर रहे हैं, डॉक्टर साहब की कर रहे हैं, है ना, जिन्होंने पारस स्पर्श लिखा, जिन्होंने संत कथामृत लिखा, जिन्होंने कई किताबें लिखी, और ऐसी आस्था ऐसा विश्वास पुष्प सज्जा करते थे, सज्जा जो की उन्होंने किसी भक्त ने नहीं। कोई भक्त अगर अपनी श्रद्धा अपनी निष्ठा अपनी भावना जोड़े है, वो एक हम ये नहीं कहते कि वो कम है ज़्यादा है, लेकिन दादा की जो श्रद्धा विश्वास निष्ठा रही वो अद्वितीय रही। दीदी आपको उनका सानिध्य मिला तो कब भेंट हुई थी इस परिवार से? जहाँ तक मुझे याद है कि कैंची आश्रम का अच्छी तरह से याद है। अच्छा, दादा और दीदी हम लोग गए थे 72 जून का एंड था शायद, ये इस जो होता है ना 15 जून के बाद की बात है। तो दादा और दीदी वहाँ कैंची में, अब ये नहीं पता पहले से आए हुए थे या थे वहाँ। अच्छा। तो दादा दीदी से तब प्रथम भेंट तब 72 में वहाँ हुई, जहाँ तक मुझे। दादा मीन्स सुधीर मुखर्जी। हाँ। वो बाबा के भी दादा थे और हम सबके भी दादा, सबके भी दादा थे। हाँ। और दीदी कौन? कमला दीदी, उनकी धर्म पत्नी। हाँ, यानी दादा और दीदी, बात्सल्यमयी माँ की तरह से प्यार करती थी। अरे वाह। और एक तो बच्चों को पढ़ाती भी थी, मतलब वो भी स्कूल में टीचर थी जी, तो वैसे भी बच्चों से इतने होता, और दीदी की जो प्यार भरी ममता भरी प्यार था मेरे साथ जी। मुझे क्या सभी से, बाल अवस्था में सभी से होगा, जो जो मिलते होंगे जिस जिससे, तो दीदी का सानिध्य मैंने वहाँ पाया, कहाँ कैंची आश्रम में। कुछ दिन तक हम लोग भी वहाँ रुके थे, और दादा दीदी तो जब गर्मी की छुट्टियाँ होती थी तो वहाँ रहते ही थे। जून और जुलाई, जब तक दादा की यूनिवर्सिटी नहीं खुलती थी तब दादा का वहाँ प्रवास रहता था। अच्छा। और सुबह का प्रसाद जलेबी का वहाँ से आता था, भवाली से दादा सबको बांटते थे, और जितने भी आश्रम में भक्त लोग होते थे सब मिल के, वो और पूड़ी और सब्जी हर भक्त को दिया थी आने वाले। वो यहाँ तक कि जो महाराज जी की प्रेरणा से सब पता होता था, तो जो रोड पे वो बना हुआ मेन गेट, वहाँ तक लोग जो इतनी बड़ी कंडियाएं होती थी उनमें डाल के पूड़ी सब्जी और डिब्बों में पैकेट रखे, वो महाराज जी की प्रेरणा से होती थी। कौन भक्त कहाँ से आ रहा है इसके विषय में तो मैं कुछ कह नहीं सकती, महाराज जी के अनोखे चमत्कार हैं, सब लोग प्रसाद पाते थे। तो सुधीर दादा की ड्यूटी रहती थी कि वो प्रसाद बांटे सुबह जलेबी की। हाँ, जलेबी का प्रसाद बंटता था, और महाराज जी की सेवा में दादा ऐसे खड़े रहते थे,
दादा बाबा मैं हो गई थी, ये समझ लो। जैसे उनके विषय में सुनाए कि राजा दिलीप ने उनकी रघु ने गाय की सेवा करी थी, महाराज जी की सेवा में सेवा मैं थी दादा, टॉवेल लेके खड़े रहते थे। बाबा ने बोला दादा हमारा जी आया, कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कभी एक के बाद दूसरी आवाज़ शुरू हो जाती, दादा वहीं से लौट के चले आते थे, महाराज जी के साथ ही रहते हर समय। पहला आदेश कैंसिल, दूसरा आदेश लागू हुआ, दूसरे के बाद अगर तीसरा हो गया तो दूसरा भी कैंसिल, तीसरा वहीं से आया महाराज जी। अच्छा, दौड़े चले आते थे, और जहाँ महाराज जी जिस तख्त पर रहते थे वहाँ आसपास महाराज जी के खड़े रहते थे, टॉवेल लेके कुछ कुछ आया कभी हाथ पहुँचना जो भी कुछ करना, बाबा की सेवा मैं थे दादा। कमला दीदी क्या करती थी? कमला दीदी क्या करती थी? कमला दीदी भी महाराज जी के उसी में सानिध्य में, जैसे दादा तो हमेशा खड़े ही रहते थे महाराज जी के, अब इतना मैं ध्यान नहीं देती थी, दीदी साथ बैठती थी ना, जैसे सब भक्त बैठते हैं या खड़ी रहती थी, वो भी बाबा में ही थी। अच्छा, एक उनकी छोटी बहन कमला दीदी की अशोका दीदी। हाँ जी, अच्छा। और मुझे ऐसा पता चला कि आपको उनका भी सानिध्य मिला। हाँ, अशोका दीदी का भी सानिध्य मिला। अशोका दीदी से मिलने का सौभाग्य हमें भी मिला, आज हम आपसे मिल रहे हैं। जरा अशोका दीदी के बारे में बताएं कि कैसा स्वभाव था और किस तरह से उस समय कैची में आप हम उम्र रही होंगी लगभग, या छोटी थी ज़्यादा? मैं तो छोटी एज की थी दीदी, अशोका दीदी उस समय जब मैंने सब प्रथम दर्शन करूँगा 35 ऐसी एज की रही। अच्छा, इस तरह की होती। जी जी, क्योंकि अभी ये एज वो करना बड़ा मुश्किल काम होता, और बड़ी शांत स्वभाव की थी। सबसे पहली बार दीदी के दर्शन वृंदावन आश्रम में हुए थे, 72 में या 71 में हम जब गए थे तो दीदी आई हुई थी। अच्छा, ये शायद नवरात्रि थे मुझे लगता है, उसी पीरियड की बात है। अशोका दीदी भी थी, एक बाबा की भक्त और थी, बाबा कहते थे तीन त्रिगड्ढा आ रहा मुझे परेशान करें, तीन देवियाँ आ रही हैं, अशोका दीदी और उषा बहादुर और एक और थी शीला, बाबा की तीन ये भक्ति थी, दिल्ली से आती थी। अच्छा, तो ये इनके दर्शन वहाँ करे थे वृंदावन आश्रम में। अशोका दीदी तो बड़ी शांत से महाराज जी के आसपास, बहुत जगह फोटो में भी आपने देखा होगा बैठी हुई है वृंदावन आश्रम में। जी जी, बहुत शांत, बड़ा सौम स्वभाव था। उषा दीदी तो थोड़ा जैसे होते ना बच्चों की तरह बातचीत, महाराज जी की सेवा में ये भी। अशोका दीदी शांत एक जगह बैठी रहती थी, जो भी कुछ महाराज जी का आदेश या जो कुछ हो। एक बार मुझे लगता है दीदी का ट्रांसफर शायद बॉम्बे कर दिया गया था शायद, तो दीदी महाराज जी से बातचीत करती होंगी, जो तो मैंने जैसे सुना महाराज जी कहते थे अशोका बॉम्बे जाओ, खाली रहोगी भब्बर में लोगी। अब दीदी ने बॉम्बे ज्वाइन करा, ये ज़्यादा कुछ मुझे इतना नहीं पता, बस ये मैंने सुना था महाराज जी के पाँव बैठी थी, शायद ये पता था दीदी का ट्रांसफ़र दिल्ली से बॉम्बे कर दिया गया है। तो अब ज्वाइन करा या ये उसका नहीं पता, वो पता है महाराज जी ने। कौन से विभाग में थी अशोका दीदी? अशोका दीदी इसमें थी ऑल इंडिया रेडियो में। ऑल इंडिया रेडियो में, हाँ, अनाउंसर थी या क्या ये पोस्ट ये नहीं पता, कि ये पता था कि दीदी वहाँ कार्यरत थी, ये मुझे मालूम है। ये आकाशवाणी है, देवकी नंदन से समाचार सुनिए, देवकी नंदन पांडे से समाचार, और एक कोई और भी आते थे, वाजपेयी थे, अब वो पुराने ध्यान नहीं रहा, अब सब भूल गए उन्हें, है ना। हाँ, ये एक जमाना था जब ना हम लोगों के बीच में टीवी था, ना हम लोगों के बीच में मोबाइल था, ना ही टेलीफोन, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जहाँ ये पता चल सके कि हम यहाँ हैं और आप देश के किसी कोने में या विदेश के किसी कोने में बैठे हमें देख सकते हैं। आज हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेकिन उस समय एक सबसे बड़ा, मैंने कपूर साहब के यहाँ आपको दिखवाया था, वो आज भी रेडियो पे समाचार सुनते हैं, है ना। कपूर साहब का फ़ोटो देखा है, चलिए फ़ोटो देखिएगा। कपूर साहब रेडियो पे जब समाचार सुनते हो, पहले मैंने भी सुने हैं एक दौर में, तो उसमें होता था ये आकाशवाणी है, सुबह के जो समय होता था वो बताते थे कि सुबह के 7:05 हो रहे हैं, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए, है ना, इस तरह से आता था। और वही दौर था उसमें अशोका दीदी वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में ही काम करती थी, और अशोका दीदी से मैंने आपको मिलवाया है, और
सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें, दीदी की प्रथम और अंतिम मुलाकात हमारी जब हुई थी, तो जब हम मिले थे तो उसी समय से वार्तालाप का जो दौर हुआ था, जो यादें थीं, बड़ा स्नेह दिया था और ज़िंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार उन्हीं के हाथों हमें मिला था कि महाराज जी की पहनी हुई धोती उन्होंने हमारे सिर पर रख दी थी। महाराज जी जीवन काल में कभी मिलते तो शायद मैं उन्हें ऐसे नहीं छू पाता, लेकिन अशोका दीदी आज महाराज जी के चरणों में हैं, उन्होंने महाराज जी के दांत को स्पर्श करने का सौभाग्य भी दिया था। मैं उन्हें आज यहाँ से केवल एक ही बात निवेदित कर रहा हूँ कि महाराज जी के चरणों में स्थान पाते हुए यहाँ नए और पुराने भक्तों को सद बुद्धि देती रहें, यही हम विशेष निवेदन आज कर रहे हैं। मिलती रहे हम सब लोगों को। जी जी, दीदी से पुराने जितने भक्त हैं महाराज जी, अशोका दीदी, कमला दीदी और जी और लोग भी वहाँ रहते होंगे उनके परिवार के, एक विभूति भांजा था उनका परिचय था दादा, बस ऐसे परिचय नहीं था, इलाहाबाद तो कभी दादा के घर गए, इलाहाबाद गए कभी ये सोचा नहीं कि दादा के घर मिले जाके, ये अच्छा। नहीं, बीच का कुछ पीरियड ऐसा हुआ जब आपके अपने बच्चे होते हैं या कुछ, ये नहीं। जी जी जी, दादा का एक फोटो में देखा है, भाई भी थे छोटे, दादा का तो सुधीर नाम था, उनका कुछ था ऐसे ऐसे ही था उनका, दादा के भाई थे, दादा के एक भाई एक भांजा विभूति और नाम मुझे पारसी स्वर्ष में लिखा है और कमला दीदी ने में भी लिखा है। और ये माँ और मौसी थी दादा की, माँ और मौसी, माँ और मौसी थी। हाँ। अच्छा, मम्मी गई हैं कभी इलाहाबाद? मेरी माँ हाँ। नहीं नहीं, वो इलाहाबाद गई है, दादा के घर नहीं गई। अच्छा, वृंदावन में गई हैं? वृंदावन गई, वृंदावन में जब उन्होंने कहा बहता, अरे ये था ऐसा हुआ था कि महाराज जी कहीं जल्दी जा रहे थे, सडनली चल रहे थे महाराज जी का, तो शायद ये बताते कि माँ ने कहा कि बाबा लोगों का कहा वो आज यहाँ कर लिया, हाँ हरी की माई सही कर रही है, हरी की माई सही कर रही है, कहीं सुन लिया था आवाज में बात, ये भी बताते कि हरी की माई नहीं, वो बहुत दूर थी उस समय थी, हाँ। और बहुत धीमे से कहा था, तो पर्दा करती थी ना महाराज जी से, हाँ। तो धीरे से ये कहा होगा भाई, या ये कहा होगा कि महात्मा लोगों का क्या वो तो कहाँ चल बहता, बोले कि वो रमता जोगी बहता जल, हाँ आज यहाँ गया कल वहाँ। ये यादें हैं, आप सोच रहे होंगे कि अभी हम सुधीर दादा की बात कर रहे थे, फिर वृंदावन पहुंच के है ना, फिर माँ की बात करने लगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और जब जब बैठेंगे तो अतीत के दिन बिल्कुल ऐसा लगता है कि वर्तमान में हम वहाँ जी रहे हैं, और मेरा प्रयास भी यही रहता है कि आपको उस समय का आभास कराया जाए, उस समय के बारे में बताया जाए। तो आज हमने आपको सुधीर दादा, कमला दीदी और अशोका दीदी के बारे में जो कुछ यादें थीं, तो चल पड़े, राम राम, राम, राम।